हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। नीट के एग्ज़ाम में 6 महीने के अराउंड का टाइम बचा है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे कि क्या हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या अभी भी पॉसिबल है, अगर हम अभी स्टार्ट करें तो क्या हम नीट क्रैक कर सकते हैं। ये सारे सवाल आप लोगों के मन में आ रहे होंगे, तो ये वीडियो में मैं अपनी नीट की जर्नी बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे 4 महीने में नीट को क्रैक किया था। एंड ये वीडियो आई एम श्योर आपको बहुत मोटिवेट करेगी, आप लोगों को एक पुश मिलेगा फिर से पढ़ाई को स्टार्ट करने का। एंड आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड ऑल्सो वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है बहुत प्यारा सा, तो वीडियो को एंड तक देखो एंड उस सरप्राइज़ का वेट करो एंड मुझे बताना कमेंट में वो सरप्राइज़ आपको कैसा लगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मेरी नीट की जर्नी स्टार्ट होती है 11th में। मैंने 11th में PCMB चूज़ किया और उसके बाद स्कूल भी था, कोचिंग भी थी, सब कुछ था, ठीक है। शुरू शुरू में थोड़ा सा ठीक चला, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई क्योंकि उसी साल कोविड आया था, तो उस वजह से सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। और उसमें पहले सुबह सुबह स्कूल की क्लासेस, देन कोचिंग की क्लासेस, उसके बाद मैथ्स की अलग से ट्यूशन, तो पूरा दिन इन्हीं सब में निकल जाता था। खुद से सेल्फ स्टडी करने का कभी टाइम ही नहीं मिल पाता था। शुरू के 1-2 महीने फिर भी मैनेज हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। सब कुछ ऐसा हो गया था कि यार ना ही स्कूल हो पा रहा, ना ही कोचिंग हो पा रही, ना ही मैथ्स हो पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा। और ऊपर से कोचिंग में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाते थे NCERT का, जो शायद नीट के लिए इंपॉर्टेंट था भी नहीं कभी। ऐसा चलता रहा और 11th बीत गई और फिर 11th के एंड तक मुझे कुछ भी नहीं आता था 11th, ठीक है। मेरा बेसिक्स भी मुझे लगता था कि क्लियर नहीं है, ठीक है, पूरी बर्बाद हो चुकी थी। फिर 12th में आए, फिर हमने वही सोचा कि यार अब मेरे को अच्छे से पढ़ना है, अब अच्छे से स्टार्ट करेंगे, 11th कम्प्लीट करेंगे, 12th कम्प्लीट करेंगे, 1 ईयर में सब हो जाएगा। सब कुछ सही था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उस टाइम मैंने फिर से गलत डिसीजन ले लिया। मैंने ये सोचा कि यार मेरा 11th का जो बैकलॉग है, पहले मुझे अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है, देन मैं फिर 12th करूँगी। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं अपना स्कूल या कोचिंग के साथ भी चलती तो मेरा एटलीस्ट 12th पूरा हो जाता, लेकिन मैंने पहले 11th करने में पूरी कोशिश करी। मैंने 11th के चैप्टर्स उठाए, मैंने 11th करना स्टार्ट किया और शुरू के 2-3 महीने मैं 11th कर रही थी, हर जगह 12th चल रहा था। ना ही मुझे स्कूल में कुछ आता था, ना ही मुझे 12th में कोचिंग में कुछ आ पा रहा था, टेस्ट में कुछ सारे छोड़ने पड़ रहे थे क्योंकि मैंने 12th स्टार्ट ही नहीं करी थी, मैं बैकलॉग कंप्लीट करने में लगी हुई थी। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर बच्चे के साथ होती है जब हम 11th में कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारी 11th ख़राब हो जाती है पूरी। तो 12th में आके हमें ऐसा लगता है यार पहले हम अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम 12th करेंगे, हमारा सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। और 11th को कंप्लीट करने के चक्कर में ना ही हमारी 11th कंप्लीट हो पाती और ना ही हम 12th में कुछ कर पाते, क्योंकि जो 12th चल रहा है हमें वो कुछ नहीं आता, 11th भी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर आएगा टेस्ट वगैरह का। स्कूल से मेरे ऊपर तो बहुत आ रहा था टेस्ट का, कोचिंग से भी आ रहा था जहाँ मुझे कुछ नहीं आ रहा था, तो वहाँ उस चक्कर में ऐसा लगेगा कि 12th भी नहीं आती। और फिर जब सब कुछ हाथ से निकल चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब मैंने डिसाइड किया कि यार 11th छोड़ देते हैं, पहले 12th करते कंप्लीट, फिर 11th कर लेंगे। अब इस चक्कर में क्या हुआ, जो 11th कर रखी थी गैप लगने की वजह से वो भी करीबी बेकार हो गई क्योंकि वो भी मैं भूल गई एंड तक। और 12th जब मैंने स्टार्ट करी तो 12th काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी स्कूल और कोचिंग में, कि मेरा वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे करूँ क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि बोर्ड्स भी देने हैं, बोर्ड्स भी आ गए, पहले बोर्ड्स पे फोकस करते हैं। मेरे टाइम पे टर्म 1 टर्म 2 करके 2 बोर्ड्स हुए थे CBSE बोर्ड से, तो मैंने पहले टर्म 1 का सिलेबस किया, उसके बोर्ड्स दिए, एंड देन फिर जब भी कुछ महीने बाद हमारे टर्म 2 के बोर्ड से, तो उसकी तैयारी करी, फिर मैथ्स भी पढ़नी थी, तो ये सब करा। और फिर मैंने अपनी ये सोचा कि एक काम करते हैं, बायो और केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं, बिकॉज बायो और केमिस्ट्री का अगर हम वेटेज देखें तो 540 मार्क्स का पेपर आता है, तो एटलीस्ट अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स मैंने अच्छे से कर लिए तो 540 मेरे आ जाएंगे। एंड फिजिक्स बेसिक बेसिक कर लेते हैं, कुछ ही चैप्टर जो 12th के पढ़े वही कर लूँ अगर थोड़ा सा अच्छे से, तो वहाँ से अगर मैंने 100 मार्क्स भी ले लिए तो 640 तक मेरा बन जाएगा। तो नीट के फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पे मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मुझे बायो और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छे के फुल ही करना है, और फिजिक्स में मुझे मिनिमम 100 लेकर आना है तो मेरा हो जाएगा, और अगर हल्का सा ऊपर नीचे भी हुआ तो भी मेरा 620 तक पहुंच जाएगा। बट उसी साल पेपर पूरा डिफरेंट हो गया, बायो का लेवल हाई कर दिया गया, केमिस्ट्री का लेवल हाई कर दिया गया, एंड फिजिक्स को बहुत ईजी कर दिया, और वो एकदम डिफरेंट था, एकदम अपोजिट था जो मेरी स्ट्रैटेजी थी उस टाइम के लिए, ठीक है। मैंने जहाँ सोचा था जहाँ से मैं नंबर लूँगी वहाँ से मेरे नंबर नहीं आए, अजर्शन रीजन और डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए केमिस्ट्री में जहाँ मेरे मार्क्स लूज हो गए, एंड फिजिक्स जहाँ बच्चों ने इजीली 160-180 स्कोर किया वहाँ मैं 100 भी नहीं कर पाई बिकॉज मेरे बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उस साल फिजिक्स का पेपर बहुत ईजी रखा गया था और बहुत थ्योरेटिकल बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, पर मेरे बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मतलब मेरा आधे काफ़ी सारे चैप्टर्स 11th के मैं करके नहीं गई थी। 12th के भी अगर करे थे तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे जो यूजुअली हर साल पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन होते हैं PVQs टाइप, मैंने वो इजी क्वेश्चन से बेसिक्स पे मैंने ध्यान दिया ही नहीं था कभी, तो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो तो पूरी फेल हो गई थी वहीं पे एग्ज़ाम में। फिर घर आके स्कोर चेक किया, 575 मेरे मार्क्स बन रहे थे, ठीक है,
प्रॉब्लम ये थी कि मेरे मार्क्स बॉर्डर लाइन पर थे। उस साल ऐसा आ रहा था कि कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है, गिरेगी, क्योंकि पेपर का लेवल एकदम चेंज हो चुका है। तो मेरे मार्क्स इतने भी कम नहीं आए थे कि मैं ये सोच लूँ कि मुझे सीट नहीं मिलेगी, और ना ही मेरा 600 क्रॉस करा था कि मेरे को एक कंफर्म हो जाए कि यार मेरे को सीट मिल जाएगी, मैं सेफ जोन में हूँ। तो मैं एकदम बॉर्डर लाइन पर थी। 550 to 600 की जो रेंज होती है वो बहुत बुरी रेंज होती है, वो बॉर्डर लाइन होती है। ना ही आप आर हो पाते हो, ना ही पार हो पाते हो। आपको नहीं पता आपका सिलेक्शन होगा, ना ही आपको ही पता आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कुछ नहीं पता होता कि आप पढ़ाई करो, आप कंटिन्यू रखो, आप छोड़ दो। सो बहुत डिफ़िकल्ट वो सिचुएशन आ गई थी उस टाइम पे। और उस टाइम मैंने अगेन, जो हर इंसान का नेचर होता है, मैंने यही सोच लिया कि मेरे को सीट मिल जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मैंने पढ़ाई बंद कर दी। ठीक है, सबका ये कॉमन नेचर होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव में हम अपने आप अज्यूम कर लेते हैं हमारे साथ अच्छा होगा, और हम नेगेटिव वाली साइड इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मैंने भी वही किया था, मैंने यही सोच लिया था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मैंने नहीं हुआ तो फिर कैसे करूँगी, क्या करूँगी, उस चीज़ को मैंने सोचा ही नहीं। मैंने बहुत क्लियरली उस चीज़ को हटा दिया कि यार ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, जो कि शायद नहीं करना चाहिए, और पर ये नेचर है हम सबका, हम कर देते हैं ऐसा। अभी भी जब ये NEET 2024 के लिए चल रहा था कि यार रीनीट हो सकता है, पर जब तक ये ऑफिशियली नहीं आता, आई एम श्योर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन लोगों ने पढ़ाई नहीं शुरू करी होगी, क्योंकि खुद से हम यही सोचते कि यार नहीं होगा ऐसा, ठीक है, नहीं करने की नौबत आएगी दोबारा। ये हम हमेशा अपने आप को सेफ साइड पर रखना प्रेफर करते हैं। तो मैंने भी वही किया था। तो घर में सब कह भी रहते मेरे को कि यार पढ़ाई शुरू कर दे, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने आप में कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, तो काउंसलिंग स्टार्ट हुई, सारे राउंड्स गए, राउंड 1 में नहीं मिला, ठीक है, थोड़ा दुख हुआ, बट होप थी कि राउंड 2 में मिल जाएगा। राउंड 2 हुआ, राउंड 2 में नहीं मिला, देन उसके बाद मॉप अप राउंड, देन स्टे वैकेंसी राउंड। तो ये सब चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 22 दिसंबर को, आई एक्चुअली रिमेम्बर अभी भी वो सब कुछ बहुत क्लियरली। तो 22 दिसंबर को फाइनल लिस्ट आई स्टे वैकेंसी राउंड की, एंड द रिजल्ट वाज कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे सीट नहीं मिली। उस टाइम जो वो हुआ था, मतलब वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि ऐसा हो गया था कि यार अब मैं क्या करूँ। मतलब इस चीज़ के लिए तो यार मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी बिल्कुल भी, मुझे उम्मीद ही नहीं थी होगा, और अब हो गया तो मैं आगे क्या करूँ। इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली। मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या करें और कैसे करें हम, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं बचा था। 4 महीने बचे थे, 4 महीने में वापस से स्टार्ट करना विद जीरो प्रिपरेशन, मतलब मुझे समझ नहीं आता ये हो क्या गया है मेरे साथ। ठीक है, काफ़ी बच्चे भी सोच रहे होंगे कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 575 थे, मुझे कुछ आता था, बट ये बोलना मतलब ऐसा लगता है यार आता था, लेकिन उस टाइम पे नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट। अभी जब रीनीट का चल रहा था तो बच्चों को सिर्फ 1 महीना हुआ था पढ़ाई छोड़े हुए, एंड दे ऑल वर लाइक यार रीनीट ना हो जाए, हमें कुछ नहीं आता, हम भूल चुके हैं। तो वो लोग तो 1 महीने में भूल गए थे, मेरा 5.5 महीने का गैप लग गया था। और वो बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनको ऑलमोस्ट आता था सब कुछ, लेकिन मुझे तो सब कुछ आता भी नहीं था। मेरे को फिजिक्स कुछ नहीं आती थी, आई वॉज मतलब एकदम नील थी मैं फिजिक्स में, बेसिक्स भी क्लियर नहीं थे मेरे। केमिस्ट्री और बायो के भरोसे मैं गई थी पेपर देने, वो मैंने अच्छे से करी थी, और इतने गैप के बाद, वो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अगर आप ना पढ़ो तो आप भूल जाते हो, ठीक है, उनके लिए आपको रिविजन चाहिए होती है। और 5.5 महीने के गैप के बाद मेरे को केमिस्ट्री बायो का कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, मैं एकदम ब्लैंक हो चुकी थी, और मेरे को वापस से स्टार्ट करना था, वापस से लेक्चर्स लेना था, वापस से NCERT खोल के सब कुछ लर्न करना था, सब कुछ रीस्टार्ट करना था, और टाइम मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे। शुरू का 1 हफ्ता तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई थी मेरे साथ हो क्या गया, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी 1% भी। सपने तो मैंने मेडिकल कॉलेज के ही देखे थे, सब कुछ प्रिपरेशन भी शुरू हो गई थी, घर में तैयारी भी हो गई थी कि हॉस्टल के लिए क्या क्या रखना है, किताबें क्या क्या लेनी है, और क्या सामान लेना है, सब कुछ घर में बातें होती थी। तो मैं 1% भी प्रिपेयर नहीं थी इस चीज़ के लिए कि मुझे मतलब कैसे क्या होगा, ये कैसे करना है इस सिचुएशन से डील, या कभी ये सिचुएशन आएगी भी लाइफ में। तो वो जब हुआ तो काफ़ी मतलब 1 हफ्ता तो मुझे उस चीज़ को प्रोसेस करने में लग गया कि यार ये जो हुआ है अब मुझे आगे क्या करना है। मतलब शुरू में तो काफ़ी बुरी हालत थी, ठीक है, रो रो के, जो कि सबका होता है एक बार, जब हमारा जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, उससे अपोजिट हो जाता है सब कुछ, तो जो दिल टूटता है वो तो एक अलग ही लेवल का होता है। और उसके बाद फिर खुद से आपको गिर के उठना होता है, वापस संभलना होता है, फिर सोचना कि अब कैसे करना है, क्या करना है, वो सब, तो उसमें टाइम लग गया। एंड देन मैंने फिर 1 जनवरी से अपनी प्रिपरेशन रीस्टार्ट करी, और इस बार मैंने जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, तो एक रिग्रेट के साथ करी थी। मतलब मेरे अंदर बार बार कॉन्स्टेंटली एक रिग्रेट चल रहा था कि यार अगर मेरे को ड्रॉप लेना ही था, या मेरे को अब NEET 2023 के लिए प्रिपेयर करना था, तो एटलीस्ट मैं स्टार्टिंग से करती,
ठीक है, मैं नीट का एग्जाम देने के बाद मेरे को पढ़ाई नहीं छोड़नी थी। जब मेरे को पता लग गया था मेरे 575 मार्क्स है और मेरा DICSE सिलेक्शन होना, वो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंटली अज्यूम नहीं करना चाहिए था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और ये सोच के मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। ठीक है, मेरे को मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए था, एटलीस्ट इस सिचुएशन में प्रिपेयर हो के बैठना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, इस चक्कर में मेरे को कुछ भी नहीं आता और अब मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। तो मुझे कॉन्स्टेंटली मेरे अंदर एक रिग्रेट आ रहा था बार बार, जो मेरे को, मैं बहुत परेशान कर रहा था कि यार मैंने ड्रॉप भी लिया पर मेरे को महीने सिर्फ 4 मिले, मैंने पूरा साल नहीं दिया पढ़ाई को। अगर मैं पूरा साल देती तो शायद कहीं ना कहीं गारंटी होती कि मैं सिलेक्शन ले सकती थी, लेकिन अब मेरे पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम। और अगर मेरा सिलेक्शन इस साल नहीं हुआ तो मेरे अंदर ये रिग्रेट लाइफ टाइम रह जाएगा कि यार मैंने ड्रॉप भी लिया पर मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। 4 महीने में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने अपनी गलती की वजह से मैंने अपना सपना खो दिया। तो ये चीज़ें मैं ना मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चले जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ अब। पर अल्टीमेटली स्टार्ट तो करना ही था। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने खुद को एक ही चीज़ बोली कि अब जो पास्ट में हो गया है वो मैं नहीं बदल सकती, वो मेरे हाथ में है ही नहीं। मैं वो 5.5 महीने वापस ला ही नहीं पाऊंगी जो मैंने वेस्ट कर दिया है, लेकिन जो अब आगे के 4 महीने वो मेरे पास है। आई नो वो टाइम कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इतना कम भी नहीं है कि मैं कुछ ना कर पाऊँ, इतना कम भी नहीं है कि अगर मेरे को सिलेक्शन चाहिए और मैं ना ले पाऊँ, इतना है कि मैं कर सकती हूँ अगर चाहूँ तो। पर इस बार हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी लगेगा, तो मैंने कुछ रूल सेट करे अपने लिए। पहला रूल ये है कि मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगी कुछ भी, चाहे कोई कितना भी बोले कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, PYQs में आए कुछ भी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अब आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने का। मुझे अपना टाइम देख के प्रिपरेशन करनी है। अगर हाँ मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं करती, बिल्कुल करती, लेकिन अब नहीं है मेरे पास टाइम। मेरे पास जो टाइम है 4 महीने, उसमें मैं सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई कर सकती हूँ और मैं उसी से स्टिक रहूँगी। मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं जाने वाली और मुझे सिर्फ उतना ही पढ़ना है। सेकेंड रूल कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करूँगी, क्योंकि कोचिंग में बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं और अगर मैं इतना टाइम सिर्फ लेक्चर्स देखने में लगाऊंगी तो मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैं पूरा टाइम सेल्फ स्टडी करूंगी। और मैंने सेल्फ स्टडी चूज़ करी, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी एंड मैंने उसी से नीट क्रैक किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 4 महीने में मैंने कहाँ कहाँ से कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करे। लेक्चर्स के लिए मैंने उम्मीद बैच के वन शॉट्स देखे और मैंने कोई लेक्चर्स नहीं देखे, वो भी मैं 2x पे देखती थी ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। उसके बाद नोट्स के लिए तो मैंने कोई भी नोट्स नहीं बनाए क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने बने बनाए नोट्स टेलीग्राम से ढूंढे एंड मैंने वो यूज़ करे। ठीक है, बाकी उम्मीद बैच के नोट्स डले होते थे बैचेस पे तो वो पढ़ लिए, तो वो नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड। ठीक है, उसके बाद रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो देखो फिजिक्स के लिए तो तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज लॉन्च हुई थी उसी साल, तो वो मैंने पूरी लगा ली थी क्योंकि फिजिक्स मेरे को कुछ नहीं आती थी, मैं एकदम जीरो थी फिजिक्स में, तो उस सीरीज़ की हेल्प से ही मेरी वो फिजिक्स इंप्रूव हो पाई। वो सीरीज़ इतनी अच्छी है कि मैं अपनी हर वीडियो में उसको रिकमेंड करती हूँ। ठीक है, एंड आई बिलीव कि हर बच्चों को करनी चाहिए जिनको फिजिक्स से डर है, क्योंकि मेरे को भी था, मेरे को बहुत डर था फिजिक्स से एंड उसी सीरीज़ से वो डर मेरा निकला है। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाओ सॉल्व करो। आई एम श्योर अगर आप एक बार सीरीज़ पूरी लगा लोगे ना, आपके अंदर जो फिजिक्स का डर है, जो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वो चीज़ आपकी हट जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी मैं आप बता रही हूँ मटेरियल, वो सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। जो भी मैं आपको सीरीज़ के बारे में बता रही हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। और बायो और केमिस्ट्री के लिए मैंने NCERT पंच की बुक लॉन्च हुई थी उस साल PW की, तो मैंने उनकी PDFs मिल गई थी मेरे को टेलीग्राम पे, मैंने उनकी PDF से वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अगेन बुक की PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो ये मेरा हो गया था क्वेश्चन प्रैक्टिस का। बाकी मैंने फिजिक्स के लिए फॉर्मुला शीट्स अपनी खुद की बनाई थी, ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन शीट्स खुद की बनाई थी, इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शन शीट्स खुद की बनाई थी, तो ये चीज़ें मैंने खुद की बनाई थी। बाकी आपको मिल जाएगी सैम्पल के लिए, ठीक है, वो आप देख सकते हो कैसे आपको अपनी बनानी है। उसके अलावा बायो के लिए कुछ होती है सारी डेट्स वगैरह एक जगह लिखी होती है, वो सब मेरे को PDFs मिल गई थी, वो भी अपलोडेड टेलीग्राम पर। ठीक है, जो क्रैम वाला पार्ट होता है ना बायो का, जो हम यूजुअली फॉरगेट कर जाते हैं, ठीक है, हमें बायो इजीली समझ में आ जाती है, सब कुछ याद भी हो जाता है, लेकिन जो रटने वाली चीज़ होती है वो हम भूल जाते हैं। तो अगर वो सारी रटने वाली चीज़ें एक अलग अलग शीट्स में हमें मिल जाएगी, सारी डेट्स एक तरफ, सारे एग्जाम्पल्स एक तरफ, तो बहुत ईजी होगा उन सबको ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन करने में। तो वो चीज़ें मुझे PDF मिल गई थी, तो वो मैंने वहाँ से यूज़ किया था, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे वो सब कुछ, तो वो मैंने ऐसे किया था। एंड लास्ट PYQs वो भी मैंने बुक से किए थे, मिल गई थी उसके PDF भी, वो भी अपलोडेड है, ठीक है, टेलीग्राम पे, तो वो भी आप देख सकते हो। तो मेरे यही 5 स्टेप्स थे, मैंने कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई नहीं करी थी, ना मैंने कोई ज़्यादा आउट ऑफ NCERT कुछ करा था, मैंने नॉर्मल 5 स्टेप्स फॉलो करे थे। मैंने लेक्चर देखा वन शॉट 2x में फटाफट,
नोट्स मैंने बनाए नहीं थे, रीड कर लिए। बायो केमिस्ट्री के लिए तो मैंने एनसीईआरटी ही करी थी, इवन फिजिक्स के लिए मैंने थोड़ा सा लिया था उम्मीद बैच के नोट्स ही, बाकी मैंने एनसीईआरटी ही फोकस किया था। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बता दिया मैंने वो कहाँ से करी, देन उसके बाद फॉर्मुला शीट्स वगैरह सबके लिए बनाई थी, एंड देन पीवाईक्यूज। तो बस यही 5 स्टेप्स थे जो मैंने फॉलो करे थे, इसके अलावा मैंने कुछ फॉलो नहीं किया था। एंड इन्हीं को मैंने बार बार किया, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज किया जितनी बार हो सका, ठीक है, मैं इसी को बार बार करती रही, और मैंने कोई एक्स्ट्रा किसी और बुक पे मैं नहीं गई थी। एंड लास्ट डे जाती है मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट भी मेरे को टेलीग्राम पे मिल गए थे, ठीक है। वो सारे मॉक टेस्ट मैं आपको इस साल अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रही हूँ, जाके आप ज्वाइन करो, इतने सारे मॉक टेस्ट है वहाँ पे, ठीक है, बस डाउनलोड करो पीडीएफ और दो। तो मैंने क्या किया था, मैंने कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने उन्हीं मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स को प्रिंट करवा लिया, ठीक है, एंड अपने रूम में टाइमर लगा के मैंने ओएमआर शीट्स खरीद ली थी, तो वहाँ से मैं वो करती थी। तो मतलब लाइक अपने रूम में बैठ के टाइमर लगा के ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर प्रिंट करा के मैं ऐसे घर में देती थी, एंड उसके बाद मैं चेक उसे खुद ही करती थी। तो मैंने ऐसे कुछ ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है, ट्रैवलिंग वगैरह जितना हो सकता था मैंने सब कुछ बचाने की कोशिश करी थी। एंड ये सब चलता रहा मेरे मॉक टेस्ट में। अगेन सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग पार्ट मेरी नीट की जर्नी में था कि मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मेरा स्कोर अगेन 580-590 जा रहा है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग थी। क्योंकि वहाँ पे क्या था कि मैंने ड्रॉप लिया, मैंने वापस से स्टार्ट किया, वापस से मेहनत करी, लेकिन मेरा स्कोर वहीं अटक गया जहाँ पहले अटका हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस स्कोर को आगे लेके कैसे जाऊँ, मैं क्या करूँ कि मेरा स्कोर ही आगे चला जाए। एंड आई एम श्योर काफ़ी बच्चे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और करेंगे बाद में आगे जाके, उनका ये क्वेश्चन आएगा कि हमसे इससे आगे कैसे लेकर जाए। उस टाइम हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, मुझे भी नहीं आ रहा था, बट इवेंचुअली वी विल रियलाइज़ कि इसका एक ही सोल्यूशन होता है, मॉक टेस्ट देना, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने इस डर से किया मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगी, मैंने मॉक टेस्ट देने बंद कर देते, ठीक है, जो बच्चे यूजुअली कर देते, और ये नहीं करना चाहिए, गलती है हमारी। हमें जितना ज़्यादा हो सकता है हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर हमने एक मॉक टेस्ट दिया, हमारा स्कोर 580 आया सपोज, तो हम उसकी एनालाइज करेंगे, हम उसकी गलतियाँ देखेंगे कि हमारी क्या गलतियाँ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट देंगे, मान लो 570 आ गया, बढ़ा भी नहीं घट गया, उसमें कुछ गलतियाँ होगी, हम उसे इम्प्रूव करेंगे, हम सोचेंगे कि यार हमने गलतियाँ इम्प्रूव भी करी, देन हमारा स्कोर बढ़ने की जगह घट गया। मतलब हो सकता है ना कि यार उस टेस्ट में हमने कोई और अलग गलतियाँ कर दी जो हमने पहले में नहीं करी, हमें और ज़्यादा गलतियाँ पता लग गई अपनी। एंड इस तरह हम मॉक टेस्ट देते रहेंगे, हर मॉक टेस्ट में हमारी अलग गलतियाँ निकलती रहेंगी, हम उन्हें इम्प्रूव करते रहेंगे। एंड नीट के एग्ज़ाम में जो हम देंगे वो हमारा सबसे बेस्ट जाना चाहिए, हमने जितने भी मॉक टेस्ट दिए वो रिजल्ट हमारा सबसे बेस्ट आना चाहिए। तो उसके लिए जितने भी हमने मॉक टेस्ट दिए होंगे ना, सबका हमें बेस्ट मिलेगा, सबकी गलतियाँ जो हमने सीखे ना वो वहाँ पे हमें मिलेगी। मेरे मॉक टेस्ट में बहुत फ्लक्चुएशंस हो रही थी, कभी 580, 570, 590, कभी 610, 620 ऐसा जा रहा था, ठीक है, 600 बहुत कम क्रॉस किया था, एंड यूजली 550-600 के बीच में ही रहा था। तो मुझे इतना ज़्यादा जो लगता था कि मैं एनालाइज भी कर रही हूँ, सब कुछ करूँ, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, वो मुझे नीट में मिला। मेरा नीट में एकदम स्कोर 666 आया, मेरा किसी मॉक टेस्ट में नहीं गया 666, मेरा लास्ट स्कोर गया था 620, जो नीट से मैंने लास्ट मॉक टेस्ट दिया था उसमें गया था, ठीक है। पर मेरी हर मॉक टेस्ट की जो मैंने गलतियाँ एनालाइज करी है, इंप्रूव करी है, वो रिजल्ट मुझे नीट वाले दिन मिला था, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा मुझे, मेरी गलतियाँ क्यों नहीं इंप्रूव हो पा रही, लेकिन वो सारी गलतियाँ उस दिन हो गई थी। तो इवेंचुअली आपके साथ भी ऐसा होगा। सो फिर इस तरह चलता रहा, तो मॉक टेस्ट दिया, नीट का पेपर आया, दिया, घर आई, रिजल्ट चेक किया, 666 स्कोर बना। उस टाइम मुझे ऐसा लगा फाइनली मेरी जो मेहनत थी, जो मैंने हार्ड वर्क किया है 4 महीने, वो मेरे को मिल गई, वो वर्थ इट है। नीट के एग्ज़ाम में क्या हुआ था वो एक्सपीरियंस मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी बहुत डिटेल में, बट अभी इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करना चाहूँगी इस स्टोरी को। मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ यार, मेरे साथ जब मेरे को 4 महीने पर स्टार्ट करना था ना, वो चीज़ मैं शायद वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि वो कितना वर्स्ट फीलिंग थी उस टाइम पर, वो कितना बुरा फेस था, ठीक है। पर मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, करना तो था ही और बैक जा नहीं सकते थे। 4 महीने में मुझसे जो पाया, जो मेरे को सही लगा स्ट्रैटेजी, मैंने वो अपनाई। तो जब मैं 4 महीने में करके यार कर सकती हूँ, तो आपके पास तो अभी 6 महीने हैं अगर सही स्ट्रैटेजी लगाओगे। पहली चीज़ तो आपको हार्डवर्क करना है, देखो फ्री में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत लगेगी, बहुत लगेगी, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो ना, तो फिर स्मार्ट वर्क कैसा करना है वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, फिर आपको कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह आपको चलना है, पूरा रास्ता आपको मैं दिखा दूंगी, स्मार्ट वर्क आपका मैं करवा दूंगी, तो बस दोनों मिलके सिलेक्शन हो जाएगा यार। लेकिन स्मार्ट वर्क भी तभी काम करेगा जब आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, बिकॉज स्मार्ट वर्क में भी यार हार्डवर्क तो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप एक बात मान लो, अगर आप तैयार हो ना मेहनत करने के लिए, तो बस अब ये भूल जाओ कि होगा या नहीं होगा,
और स्टार्ट हो जाओ। और अगर आप अभी ये सोच रहे हो, जो उस टाइम शायद मैं सोच रही थी कि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब अगर नहीं हुआ तो, या हम पास्ट नहीं बदल सकते, अब स्टार्ट करेंगे, 6 महीने ही है, हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अगर पास्ट को लेके परेशान हो तो यार एक बात हमेशा याद रखो, और एक बात जब भी ऐसा लगे ना परेशान हो रहे हो कि यार हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तो बस एक बात खुद से बोला, कल नहीं भूलोगे तो कल कैसे बदलोगे। अगर जो पास्ट में कर चुके हो वो भूलोगे नहीं, तो फ्यूचर में जो लिखा है वो कैसे बदलोगे। अगर वही पास्ट में अटके रहोगे, वही सोचते रहोगे यार ये गलतियाँ हो गई, ठीक है देखो गलतियाँ सबसे होती है, मेरे से भी हुई थी गलती, मैंने बता दी अपनी ओपनली, ठीक है कि मेरे से ये गलतियाँ हुई थी, मैंने अपने आप एज्यूम कर लिया था सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, उस चीज़ का रिग्रेट मुझे भी था। लेकिन अगर वो पास्ट को पकड़ के रह जाते, अगर उस गलती को पकड़ के रह जाते, तो फिर जो कल लिखा था वो नहीं बदल पाते हम। तो अगर अपना कल बदलना है, अपना फ्यूचर बदलना है, अगर अपना फ्यूचर वैसा चाहते हो जैसा आपने सोचा है, तो फिर जो पास्ट में बीत गया ना उसे भूलो, ठीक है भूलो और स्टार्ट कर दो। कि अगर वो सोचते रहोगे और ओवर थिंक करते रहोगे तो वो आगे नहीं बढ़ने देगा, वो अटक जाएगा। तो स्टार्ट वर्किंग हार्ड गाइस, एंड कोई भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, फील फ्री टू टेल मी। एंड आई होप कि जो मोटिव था मेरा इस वीडियो में आपको बताने का कि यार टाइम कम नहीं है, टाइम है, बस सोच बदलनी, अपनी सोच बदलो तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा मोटिव था ये बताने का, ठीक है, और इंस्पायर करने का अपनी इस जर्नी से, तो आई होप वो फुलफिल हुआ हो, ठीक है, आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आई हो, एक आपके होप मिली हो कि आप कर सकते हो, ठीक है, और आप करोगे, आई बिलीव इन यू। सो अब नाउ इट्स अ टाइम टू रिवील द सरप्राइज़, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में। द सरप्राइज इज़ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलमोस्ट सब कुछ अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो, सब कुछ है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर आपको बुक्स की PDFs मिल जाएगी सारी, ठीक है, PW की, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और भी सब कुछ अपलोडेड है, फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक की रिएक्शन शीट्स, एक्सेप्शन शीट्स, बायो का सब कुछ, ठीक है, बहुत कुछ है, क्वेश्चन बैंक्स भी है बहुत सारे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे था अभी तक नहीं है वो है माइंड मैप्स, बिकॉज अब आप इस टाइम पे पहुँचते जा रहे हो आगे नीट के, जहाँ आपको माइंड मैप्स की बहुत नीड है, एक पेज में जहाँ आपका पूरा चैप्टर समराइज हो, ठीक है, ताकि जल्दी से 15 मिनट में आप वो पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओ। माइंड मैप्स बहुत यूजफुल होते हैं आपकी इस जर्नी में, तो वो अभी तक नहीं थे, एंड नाउ मैं वो भी अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। आप अभी जाकर देखोगे, आपको वहाँ पे माइंड मैप्स सारे मिलेंगे, सारे चैप्टर के वहाँ पे माइंड मैप्स अपलोडेड है। सो इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू, बस आप लोग पढ़ाई करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जो चाहिए आपको मिलेगा, बस मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे चाहिए, अगर मुझे मिल पाएगा ना मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी ढूंढने की एंड आपको देने की। बाकी जो मुझे अपनी साइड से लगेगा कि यार इस टाइम पे बच्चों को इस चीज़ की नीड है, बिकॉज मैं भी एक नीट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, मुझे पता है यार कब किस चीज़ की नीड रहती है, तो जो मुझे फील होगा वो मैं खुद से अपलोड करती रहूँगी हमेशा, टेस्ट आपके होते रहेंगे डेली टाइमली। सो दिस इज़ अ सरप्राइज़ फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू, एंड आई रियली होप कि सरप्राइज़ आपको अच्छा लगा हो, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बता के जाना यार हर बच्चा कि आपको कैसा लगा है, ठीक है, ये सरप्राइज़ आपको पसंद आया या नहीं आया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक हार्ट ही ड्रॉप कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि यार आपको अच्छा लगा है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, लाइक नहीं करते आप लोग बिल्कुल भी, प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर जो बच्चे न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब करे कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। आगे जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करना है, ठीक है, एंड आई एम ऑलवेज देयर विद यू, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी बताना हो, या अगली वीडियो किस पर चाहिए, कुछ भी शेयर करना हो, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना, एंड आई एम ऑलवेज देयर विद यू गाइज, सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।